जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धारा 370 को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे सत्ता के नशे में चूर होकर लिया गया फैसला करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने धारा 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी की आलोचना की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था, इस विलय के पीछे एक इतिहास था। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए पिछले 70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। हजारों राजनीतिक पार्टियों की लोगों की जाने चली गई है। हजारों फौज के लोग, पुलिस के लोगों ने बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना रहा। आजाद ने आगे कहा कि जब जब आतंकी हमला हुआ तो उसका मुकाबला कश्मीर के आवाम ने किया, साथ ही मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने उसका मुकाबला किया। एक झटके में बीजेपी ने पावर के नशे में और वोट हासिल करने के लिए यह फैसला लिया है। एक स्टेट को जो बॉर्डर वाला स्टेट है, जिसके तीन रीजन है, लद्दाख जिसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम रहते हैं, कश्मीर जहां पर कश्मीरी पंडित मुस्लिम और सिख रहते हैं, जम्मू जहां पर 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी है। इस स्टेट को अगर किसी ने बांध कर रखा था तो वो आर्टिकल 370 ही था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने एक झटके में कई चीजों को खत्म कर दिया है, ये दिन काले शब्दों में लिखा जाएगा। आज उसने 370, 35A और उसके साथ राज्य को विभाजित कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया।